स्वागत है। मैं हाँ दविंदर वर्मा। मैं ये दसना चाहना जी, जिस तरह की आप कोई गल करनी चाहते सी, जिन्हें भी साडे ज्योतिषी भरा प्रोग्राम देख रहे हैं या जिन्हां नूं नॉलेज है नहीं, वह भी एक दूजे को फेसबुक या वैसे भी मैसेज कर सकते हैं, दस सकते हैं। जेड़े हीलिंग मास्टर हैगे हैं उन्हां बंदियां नूं एक टाइम सारे आपदे जिन्हें भी काम स्पल्ट ते जेड़े सिख रहे हैं वह भी, क्योंकि जे मास्टर बंदा ठीक कर लूगा ते जे चेला भी करूगा वह कुछ तो फायदा होगा। हीलिंग मास्टरां नूं एक आपदा टाइम फिक्स करना चाहिए और घट्टो घट दिहाड़ी विच दो वारी अद्धा अद्धा घंटा भी जे आपां हीलिंग करिए तां मेरे हिसाब नाल करोना वायर जिहड़ा है इह खत्म वायरस खत्म हो जाऊगा। दूसरे नंबर ते कई बंदियां नूं आपां हर एक शहर दे विच बड़े ज्योतिषी बैठे है, हीलिंग करन वाले भी है, चक्रा सैट करन वाले भी है, और मैं जिहड़े भी कोई किसी नूं कोई बीमारी तो पीड़ित हैगा, तुहानूं पता लग जे तुहाडा आस पड़ोस च कोई बंदा होवे या तुहाडा कोई रिश्तेदार होवे, तुहानूं उहनां बारे कोई इंफोरमेशन देने की लोड़ नहीं, कोई बंदा लियाण की लोड़ नहीं। हर शहर दे विच बहुत स्पल्ट बंदे बैठे है और उस बंदे दा सिर्फ तुसी नाम दे दो ते चाहे उस बंदे दी उस बंदे कोले व्हाट्सएप ते फोटो भेज दो। और जिन्हें मेरे ज्योतिषी भरा हीलिंग करते हैं, चक्रा सैट करते हैं डोजर दे नाल, तुसी उस बंदे दा घरे बैठे तुहानूं पता है कि चक्रा सैट ते बंदा ठीक होना शुरू हो जाऊगा, उन्हें फर्क पै जाऊगा, दवाई लगन लग जूगी। और इस चीज़ का कोई भी अगर मेरे ना संपर्क करता किस इस चीज़ का कोई पैसा नहीं लिता जाऊगा। और जिन्हें साढ़े भरा एक काम करते, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं हैगी भी कौन बंदा काम करता क्योंकि मेरा किसी संपर्क नहीं होता, पर मैं ये विपता करके ये जेड़ा मैं टीवी पर बोल रहा हाँ। और एक हीलिंग ऐसी चीज़ है कि दूरों बैठे बैठे बंदे किसी चीज़ को ठीक किया जा सकता अगर लगातार 21 दिन हीलिंग की जाए, तो जिहड़ी चीज़ डॉक्टर कह दें भी नहीं हो सकता वह भी हो जाता। हुण इत्थे संपर्क ये आ गया कि आप उस बंदे नूं किद्दां मिलना है, किद्दां करना है, यह भी अपने आप ही जिद्दां हुण अज मैं बोलिया कोई ना कोई बंदा तो उठूगा, सारे ने एक दूजे ने दस देना है। और जिहड़े बैठे घरे बंदे करदे हिंदुस्तान का नक्शा भी बन जाता है, पंजाब का नक्शा भी बन जाता, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके डॉक्टर भी है जदों उन्हां नूं कोई बीमारी नहीं लभदी वह एक्सपैरीमेंट बंदे ते ही करते हैं, उत्थों तो ही उन्होंने कोई ना कोई तरीका लभदा है। ऐसे तरह जो असी ये काम करते हैं बहुत चीज़ें इन्हां दे विच हैगियां, पर मैं ये चाहना कि कोई भी बंदा जिन्हें लोग काम करते जिहड़े स्पल्ट हैगे उन्हां तां पता ही है कि इस चीज़ का बड़ा फर्क पैंदा है और वाकई ताकत हुंदी है। पर सब तो वड्डी चीज़ ये है कि अज किसी बंदे नूं बगैर फीस के बगैर लालच तो आपां उह बंदे ठीक कर सकते हैं जिहड़े बंदे नूं इन्हां चीज़ों के बारे ज्ञान भी है नहीं, पर उन्होंने घर के जी है जेड़े वो भी खुश होंगे, तुहानू दवावां दोगे। पर मैं ये चाहना कि जिन्हें भी साढ़े ज्योतिषी भरा देख रहे हैं प्रोग्राम, थोड़े नाल कोई भी एड ज्योतिषी हैगा तुसी एक दूजे फेसबुक चो उन्ना का क्लिप कढ़ के पाओ ताकि जेड़े हीलिंग मास्टर हैगे है, मैं तुहानू ये दसना चाहना हीलिंग जिहड़ी है सब तो पावरफुल हीलिंग हैगी हत्थां दी। और जेड़ा बंदा हथ नाल हीलिंग करदा बहुत पावर हुंदी, इहदे च की हुंदा कि पहले नंबर ते बंदे नूं ज्ञान होना चाहिए, दूसरे नंबर ते बंदे दे एक बंदा कई बंदे नूं यश हुंदा है और यश वाला बंदा बड़ी जल्दी ठीक कर दिंदा है। मैं बहुत बंदे नूं आपदे हत्थां नाल ठीक करदा हां, बड़े बंदे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कई बंदे मेरे को ठीक होके भी गए हैं, उन्होंने पता भी है मैं उस चीज़ के कई बार पैसे लेंदा नहीं, मैं तो वैसे ही कर दिंदा। मेरे को काफ़ी टाइम हफ्ता 10 दिन पहले की गल है जो माहौल ठीक सी उस तो मेरे कोई लेडीज आए अज तो 15 साल पहले दे हीलिंग करते जो मैं उन्होंने सैट किया कहते मैं तो कर दे, मैं क्या कर दे तुसी सवाह हो तुहानू जो पता ही नहीं आपदे आप ब्लॉक करी बैठे हो, जो मैं उन्हें ठीक किया उन्होंने दिमाग खुल गया, मैं क्या लोगों का भला करो तुहानू जो चीज़ कोई आती है वो प्रैक्टिस करो और खाली कोई काम सीखने कुछ नहीं हुंदा, जो किसी चीज़ का तुसी यश लेना पहली गल तो जवान च सरस्वती बैठनी चाहिए है, एक तुहाडा जदों मन सैट होना चाहिए
एक जिस जगह पर तुसी बैठते उत्थे दा वास्तु ठीक होना चाहिए, बड़िया चीज़ा होनिया चाहिए। और एक होर है, जदों तुसी हीलिंग करन लगे हो तुहाडे उसके नेड़े तेड़े आवाज़ ना आनी चाहिए। जदों तुहानू कोई आवाज़ डिस्टर्ब करती है तो तुसी उत्थे बहुत परेशान होगे। मैं हुण जिस जगह पर बैठ के करदा आ, मेरा साउंड प्रूफ स्टूडियो हैगा है, और मेरे कोले तकरीबन कोई बाहर दी नेड़े तेड़े दी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि रूम ही मेरा जिहड़ा है मेरे गेट तो घट्टो घट 75 फुट पिछे है। और तीन दरवाजे लंघ के रूम बनना, उत्थे तक आवाज़ किसी तरह की भी नहीं आती। पर मैं ये चाहना कि जिन्हें भी भैन भरा साडा प्रोग्राम सुन रहे हैं देख रहे हैं, तुहाडे कोले जिन्ना क ज्ञान हैगा उन्ना क दे नाल तुसी लोगों नूं समझावो दसो, और हर चीज़ का हल हो जाता है, और हर बंदा एक दूजे तो दूर रवो। जदों जिन्ना क परहेज हुंदा करो, जिन्हें भैन भरा बाहरों आए हुए है वो एक दूजे नूं तो बचो। जिहड़े बंदे नहीं दसदे पे तुसी उन्हां दे बारे जरूर दसो, जिहड़े पिछले तकरीबन कोई 15-20 दिनां दे विचों बाहरों आए है, क्योंकि आपां जिन्ना क बचा लांगे अज फिर भी अपना हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, और बहुत आपां साथ दे रहे हैं एक दूजे का। पर मैं ये चाहना कि यह जिहड़ी माड़ा वक्त है इनू रल मिल के तुसी वक्त नू कढ़ो।